नमस्कार दोस्तों, झारखंड मौसम चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रांची समय झारखंड के विभिन्न जिलों का मौसम बदलेगा, उतार चढ़ाव जारी और दोस्तों मार्च की शुरुआत के साथ बरसात की गतिविधियों के रूप में देखने को मिलेगा। तो अगर आप भी लोहरदगा, लातेहार, कोडरमा, खूंटी, जामताड़ा, हजारीबाग, गुमला, गोड्डा, गिरिडीह, गढ़वा, पूर्वी सिंहभूम, दुमका, धनबाद, देवघर, बोकारो, चतरा, सिमडेगा, खरसावा, सरायकेला, साहिबगंज, रांची, रामगढ़, पलामू, पाकुड़ समेत झारखंड में रहते हैं ना, तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट करके जरूर बताना कि आप किस जिले, गांव, शहर में रहते हैं। तो दोस्तों पूरे झारखंड का मौसम बदल चुका है, उतार चढ़ाव जारी और ज्यादातर इलाकों पर परिवर्तन होने के साथ एक तारीख से फिर से बरसात की गतिविधियां शुरू होने को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग की माने तो यहां पर जो है रांची और आसपास के इलाकों पर काफी मौसम में ठंडक है और यहां पर 2 मार्च के आसपास दोस्तों भारी बदलाव होते हुए नजर आएगा। 3, 4, 5 तक दोस्तों मौसम में बदलाव रहेगा, जिसमें कुछ इलाकों पर अच्छी खासी बरसात की गतिविधियां जारी है। 2 मार्च से मौसम का मिजाज बदलेगा, राज्य में 3 दिनों तक लगातार बरसात होगी और मौसम विभाग की माने तो वज्रपात भी होगा, इसका असर राज्य के कई जिलों पर पड़ेगा। इसको लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। अगले 24 घंटों के दौरान न्यूनतम तापमान में कोई बड़े बदलाव की संभावना नहीं, इसके बाद अगले 2 से 3 दिनों में इसमें धीरे धीरे 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होगी। मौसम विभाग के अनुसार मौसम कुछ जगहों पर साफ है और 5 मार्च को यहां पर बरसात की गतिविधियों के साथ राज्य के दक्षिणी, मध्य और उत्तर पूर्वी भागों में कहीं कहीं पर हल्की बरसात और मेघ गर्जना होने की उम्मीद है। इसका असर रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी, रामगढ़, सिमडेगा, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावा, देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़, साहिबगंज जिलों पर पड़ने की संभावना है। मौसम विभाग की माने तो 30 मार्च को जाना 3 मार्च के आसपास मेघ गर्जना और तेज हवाएं चलने के साथ वज्रपात की आशंका, हवाओं की स्पीड 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा रहने की संभावना है। इसका असर राज्य में कहीं कहीं पर पड़ेगा, तो कुछ जगहों पर खबरें बताई जा रही है कि काफी ज्यादा जगहों पर मौसम में अधिक से अधिक हलचल होने और परिवर्तन होने के आसार है। झारखंड में दोस्तों पूर्वानुमान के मुताबिक आंशिक रूप से बादल भी छाए, 5 मार्च तक राज्य के दक्षिणी, मध्य और उत्तर पूर्वी भागों में बरसात हो सकती है। इसमें पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावा, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी, रामगढ़, देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़, साहिबगंज शामिल है और यहां पर दोस्तों जो है लगभग 6 तारीख तक बादल छाए रहेंगे। कुछ जगहों पर बरसात की गतिविधियां जारी रहेगी तो कुछ जगहों पर ठंडा सोना भी रहेगा और एक बार फिर से हल्की ठंड का एहसास होगा। यानी कि दोस्तों मार्च की शुरुआत हो रही है फिर भी बरसात देखने को मिलेगी। यहां पर दोस्तों कई जगहों पर जो है तेज हवाओं के साथ यहां पर बिजली भी चमक सकती है। बरसात की जानकारी है, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती है। बोकारो में भी धूप खिली हुई नजर आई, लेकिन दोस्तों 2 मार्च से यहां पर भी मौसम में बदलाव और परिवर्तन होगा। 1 और 2 मार्च को जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर बर्फबारी होगी। इसी वजह से पहाड़ी राज्यों के कारण दोस्तों मैदानी राज्यों पर इसका असर देखने को मिलेगा और मैदानी राज्यों में कई जगहों पर मौसम खुला खुला देखने को मिलेगा, तो कई जगहों पर अभी भी ठंड का असर देखने को मिल सकता है। झारखंड में विभिन्न हिस्सों में अभी दोस्तों जो ना मौसम शुष्क है, पिछले 24 घंटों के दौरान से ही किसी तरह का अलर्ट नहीं था, लेकिन अब अलर्ट जारी है और मौसम विभाग की माने तो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने के साथ 4 मार्च तक राज्य के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम, तो यहां पर बताया जा रहा है कि 1 मार्च को मौसम कुछ जगहों पर साफ रहेगा, 2 मार्च को राज्य के उत्तर और पश्चिमी भागों में मेघ गर्जना के साथ हल्की से मध्यम बरसात के आसार है, 4 मार्च को राज्य में हल्की से मध्यम दर्जे की बरसात के आसार है, यही सिलसिला 5 मार्च को जारी रहेगा, लेकिन राज्य के दक्षिणी और मध्य उत्तर पूर्वी भागों में मेघ गर्जना के आसार है। पिछले 24 घंटों में राज्य में जो ना मौसम विभाग की माने तो यहां पर कई जगहों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बरसात हुई। राज्य में अधिक बरसात 42.4 मिलीमीटर मांडर में दर्ज की गई, राजधानी रांची के क्षेत्र में। राज्य में सबसे अधिक तापमान चाईबासा में सबसे अधिक 31.8 डिग्री था, जो कि जबकि दोस्तों सबसे न्यूनतम तापमान 13.5 डिग्री सेल्सियस यहां पर बताया जा रहा है कि लोहरदगा में दर्ज किया गया। अब दोस्तों मौसम में ठंडक, उतार चढ़ाव जारी है, तेज हवाओं के साथ झारखंड का मौसम बदल रहा है और आने वाले सोमवार को लगभग ज्यादा हिस्सों में बरसात की गतिविधियों के साथ मौसम में परिवर्तन, उतार चढ़ाव हमें देखने को मिलेगा अधिक से अधिक तक। पिछले 24 घंटों के दौरान भी न्यूनतम तापमान बात की जाए तो जामताड़ा में 19, साहिबगंज में 18.8, रांची में 17.3, किरीबुरू और देवघर में 16.5, बोकारो, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम में तापमान 15.5 के करीब रिकॉर्ड किया गया। मौसम में बदलाव, उतार चढ़ाव जारी है, ज्यादातर इलाकों पर मौसम ठंडा सोना है। 1 और 2 मार्च को जम्मू कश्मीर, लद्दाख पर हो रही बर्फबारी का असर है। साथ में यहां पर दोस्तों फिलहाल आज आसमान कई जगहों पर साफ है, लेकिन 24 से 48 घंटों के दौरान परिवर्तन होने के साथ बरसात की गतिविधियों के साथ मौसम मिला जुला रहेगा। अधिक से अधिक जगहों पर 4 दिनों तक बादल भी छाए रहेंगे, मौसम ठंडा सोना भी रहेगा और यहां पर कई जगहों पर दोस्तों पिछले 2 से 4 दिनों तक बरसात हुई है। आसमान दोस्तों कुछ जगहों पर साफ है तो कुछ जगहों पर बादल भी है। 3 मार्च तक राज्य में तेज मेघ गर्जना के साथ वज्रपात की संभावना जारी है। यानी कि दोस्तों मार्च की शुरुआत के साथ सबसे ज्यादा कहीं बरसात और मौसम में बदलाव होगा तो वो है दोस्तों यहां पर जो ना 3 तारीख को, यानी 3 तारीख को भारी परिवर्तन होने के साथ बदलाव होने के आसार विभिन्न हिस्सों में हमें अधिक से अधिक जगहों पर देखने को मिलेगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं यहां पर एक एक जिले की, तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं लोहरदगा में रात के समय 12-13 तो दिन के समय 26 के आसपास तापमान रहेगा। सोमवार तक बूंदाबूंदी बरसात की गतिविधियां जारी रहेगी, मौसम ठंडा सोना, मौसम मिला जुला रहेगा और परिवर्तन होने के आसार भी है। वही दोस्तों यहां पर जो है लोहरदगा के बाद बात की जाए लातेहार की, तो 13-14 रात के समय दिन में 27 के आसपास तापमान रहेगा। रविवार तक बूंदाबूंदी बरसात की गतिविधियां जारी है,
मौसम में ठंडक और परिवर्तन देखने को मिलेगा, तो कुछ जगहों पर अच्छी बरसात की गतिविधियों के साथ अलर्ट जताए जा रहे हैं। कोडरमा की बात करें तो 14-15-16 रात के समय, तो दिन के समय दोस्तों मौसम में बदलाव उतार चढ़ाव जारी रहेगा और यहाँ पर सोमवार तक मौसम बदल सकता है। बरसात की गतिविधियों के साथ अलर्ट भी है। मौसम मिला जुला और ठंडा सोना देखने को मिलेगा और तेज हवाओं के साथ परिवर्तन होने के आसार अभी भी जताए जा रहे हैं। यहाँ पर खूंटी में 14-15-16-17 रात के समय, दिन में 26-27, सोमवार तक हल्की बूंदाबूंदी और बरसात की गतिविधियां जारी रहेगी। मौसम ठंडा सोना रहेगा। जामताड़ा की बात करें तो रात के समय 16-17, तो दिन में 30-31, सोमवार तक बूंदाबूंदी बरसात की गतिविधियां जारी रहेगी। मौसम ठंडा सोना है। मौसम मिला जुला रहेगा, उतार चढ़ाव भी जारी रहेगा और तेज हवाओं के साथ परिवर्तन होने के साथ बादल भी छाए हुए नजर आ सकते हैं। तो कुछ जगहों पर अधिक से अधिक ठंडा सोना मौसम रहने के साथ मौसम मिला जुला भी रह सकता है। तो बादलों की वजह के साथ कल रात से काफी ज्यादा जगहों पर हलचल देखने को मिली, उतार चढ़ाव भी जारी रहा। यहाँ पर दोस्तों हजारीबाग में 13-14 रात के समय, तो दिन के समय मौसम में बदलाव उतार चढ़ाव जारी रहेगा। तेज हवाओं के साथ मौसम में ठंडक के साथ परिवर्तन और मौसम मिला जुला रहने के साथ बादलों की वजह के साथ बदलाव होगा और सोमवार तक बरसात की गतिविधियों को लेकर अलर्ट भी जताया जा रहा है। गुमला में 13-14 रात के समय, दिन में 27 के आसपास तापमान रहेगा। बादल छाएंगे, उतार चढ़ाव जारी है। तेज हवाओं के साथ मौसम में ठंडक और परिवर्तन होने के साथ बादल छाएंगे। यहाँ पर दोस्तों लगभग एक सप्ताह के बाद बूंदाबूंदी और बरसात की गतिविधियों के साथ मौसम बदल सकता है और मौसम ठंडा भी रहेगा। यहाँ पर गोड्डा में 16-17 रात के समय, दिन में 28-29, बादल छाएंगे, उतार चढ़ाव जारी है। तेज हवाओं के साथ मौसम में ठंडक और परिवर्तन होगा। मौसम मिला जुला भी रह सकता है और बादलों की वजह के साथ काफी ज्यादा जगहों पर सोमवार तक बरसात की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। गिरिडीह में 14-15 रात के समय, तो दिन के समय मौसम में बदलाव उतार चढ़ाव जारी रहेगा। तेज हवाओं के साथ परिवर्तन, मौसम ठंडा सोना और मौसम मिला जुला रहेगा और भी ज्यादा हलचल और परिवर्तन भी देखने को मिल सकता है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि गढ़वा में दोस्तों रविवार तक बूंदाबूंदी, बरसात की गतिविधियों के साथ मौसम में ठंडक, मौसम मिला जुला रहेगा, उतार चढ़ाव जारी है। तेज हवाओं के साथ परिवर्तन के साथ ठंडा सोना भी रहेगा। यहां पर बताया जा रहा है कि पूरे के पूरे पूर्वी सिंहभूम का मौसम बदलेगा, उतार चढ़ाव जारी है। तेज हवाओं के साथ मौसम में परिवर्तन और मौसम मिला जुला रहने के साथ बादलों की वजह के साथ बदलाव होगा, साथ में मौसम ठंडा सोना भी देखने को मिल सकता है। दुमका में दोस्तों 15-16 रात के समय, दिन में 28-29, बादल छाएंगे, उतार चढ़ाव जारी। तेज हवाओं के साथ परिवर्तन, मौसम मिला जुला रहेगा, ठंडा सोना रहेगा और बादलों की वजह के साथ और भी ज्यादा हलचल और परिवर्तन होते हुए नजर आएगा, तो ज्यादातर ठंडा सोना भी देखने को मिल सकता है। यहां पर धनबाद में 16-17 रात के समय, तो दिन के समय मौसम बदलेगा, उतार चढ़ाव जारी है। तेज के साथ परिवर्तन, मौसम मिला जुला रहने के साथ सोमवार तक बरसात की गतिविधियों के साथ अलर्ट भी जताया जा रहा है। यहां पर बताया जा रहा है कि दोस्तों पूरे के पूरे जो ना मौसम विभाग की मान, तो देवघर में 15-16 रात के समय, दिन में 27-28, सोमवार तक हल्की बूंदाबूंदी, बरसात की गतिविधियां जारी रहेगी। मौसम मिला जुला रहेगा और परिवर्तन होने के साथ और भी ज्यादा हलचल और बदलाव देखने को मिल सकता है और मौसम में कई जगहों पर ठंडा सोना रहेगा। यहां पर बताया जा रहा है कि पूरे के पूरे बोकारो में जो 16-17-18 रात के समय, दिन में 30-31, 4 दिन बादल छाएंगे, मौसम में ठंडक है, परिवर्तन जारी रहेगा और तेज हवाओं के साथ बदलाव होने के आसार भी जताए जा रहे, तो कुछ जगहों पर अधिक से अधिक मौसम मिला जुला भी रह सकता है। यहां पर बताया जा रहा है कि चतरा में दोस्तों 13-14 रात के समय, तो दिन के समय 26 के आसपास तापमान रहेगा, बादल छाएंगे, उतार चढ़ाव जारी, तेज हवाओं के साथ परिवर्तन और मौसम ठंडा सोना रहेगा, तो कुछ जगहों पर मौसम मिला जुला भी रह सकता है और बदलाव आने के आसार भी अधिक से अधिक होगा। इसी के साथ दोस्तों पूरे के पूरे जो ना मौसम विभाग की मान, तो यहां पर सिमडेगा का मौसम बदलेगा, बादल छाएंगे, उतार चढ़ाव जारी है। तेज हवाओं के साथ मौसम में ठंडक और परिवर्तन होगा और बादलों की वजह के साथ बदलाव होने के आसार भी जताए जा रहे हैं। वही दोस्तों यहाँ पर जो ना एक सप्ताह के बाद और भी ज्यादा जगहों पर बूंदाबूंदी के साथ मौसम में ठंडक रहेगा। यहां पर बताया जा रहा है कि दोस्तों पूरे के पूरे जो ना खरसाओं में 16-17 रात के समय, तो दिन में 30 के आसपास तापमान रहेगा, बादल छाएंगे, उतार चढ़ाव जारी, तेज हवाओं के साथ परिवर्तन और मौसम मिला जुला रहेगा और मौसम ठंडा सोना भी रह सकता है, तो बादलों की वजह के साथ परिवर्तन होने के साथ और भी ज्यादा हलचल रहेगा। वही दोस्तों मौसम विभाग की मान, तो यहां पर सरायकेला में 17-18 रात के समय, दिन में 30-31, अगले 24 घंटों के दौरान बरसात की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। सोमवार तक मौसम मिला जुला और परिवर्तन भी देखने को मिलेगा। साहिबगंज की बात करें तो साहिबगंज में जो है 17-18 रात के समय, दिन में 27-28, बादल छाएंगे, उतार चढ़ाव जारी है, तेज हवाओं के साथ मौसम में ठंडक और मौसम मिला जुला रहेगा और बदलाव होने के साथ परिवर्तन और मौसम में ठंडक भी अधिक से अधिक जगहों पर देखने को मिल रहा है। तो कुछ जगहों पर बादल भी छाए हुए नजर आ रहे हैं। यहां पर बताया जा रहा है कि राजधानी रांची में 14-15 रात के समय, दिन में 26-27, सोमवार से बूंदाबूंदी, बरसात की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। मौसम मिला जुला रहेगा, परिवर्तन भी जारी रहेगा और ज्यादातर इलाकों पर अधिक से अधिक जगहों पर मौसम ठंडा सोना रहेगा। यहां पर बताया जा रहा है कि दोस्तों पूरे के पूरे जो ना रामगढ़ में रविवार सोमवार को बरसात होगी, बादल छाएंगे, बरसात की गतिविधियों को लेकर अलर्ट है, मौसम ठंडा सोना और मौसम मिला जुला भी रह सकता है। वही दोस्तों यहां पर बताया जा रहा है कि पूरे के पूरे जो ना पलामू का मौसम बदलेगा, उतार चढ़ाव जारी, तेज हवाओं के साथ परिवर्तन, मौसम ठंडा सोना रहेगा, उतार चढ़ाव जारी है और बादलों की वजह के साथ परिवर्तन होगा। पाकुड़ की बात करें तो 16-17 रात के समय, दिन में 28 के आसपास तापमान रहेगा, बादल भी छाएंगे, उतार चढ़ाव जारी और मौसम ठंडा सोना रहने के साथ मौसम मिला जुला भी रह सकता है। आप किस जिले, गांव या शहर में रहते हैं पूरे झारखंड के, हमें कमेंट करके जरूर बताएगा और आपको वीडियो जो है ना पसंद आया कि नहीं वो भी हमें कमेंट करके जरूर बताना।